नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। सोशल मीडिया पर एक फोटो जम के शेयर की जा रही है। ये तस्वीर एक मदरसे की है। बताया जा रहा है कि मदरसे में कैसे इस्लाम को हिंदू धर्म से बेहतर बताया जा रहा है। काजी साहब खातूनों को बता रहे हैं कि इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। वो हलाला, खतना और बुरका के फायदे बता रहे हैं। योग, जनेऊ और मंगलसूत्र को गलत बताया जा रहा है। तो ये तो आपने देखा कि फोटोज किस तरीके से शेयर की जा रही हैं। अब असलियत बताते हैं। ये फोटो असल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर की है, यहाँ के एक मदरसे की। इसमें दिख रही सारी चीजें ठीक हैं, सिवाय उस ब्लैकबोर्ड में लिखी बातों के। ये फोटो जनता के सामने आई अप्रैल 2018 में, तब जब एक खबर सामने आई कि गोरखपुर के एक मदरसे दारुल उलूम हुसैनी में इस्लामिक शिक्षा के साथ ही मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। यहाँ कई भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं, इनमें अरबी, अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत भी शामिल है। जी हाँ, संस्कृत भी। इस मदरसे की सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी बात को लेकर हुई थी कि यहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है। संस्कृत पढ़ा भी एक मुस्लिम टीचर रहा है। माना जा रहा था कि ऐसा शायद पहली बार होगा किसी मदरसे में संस्कृत पढ़ाई जा रही हो। माने जो फोटो शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से और जो इसकी असली फोटो है, उसमें बुनियादी अंतर जो ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ कंटेंट है वही है। असली फोटो में संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे थे, उन्हें फोटोशॉप जैसे किसी खास सॉफ्टवेयर की मदद से हटा दिया गया और वहाँ मनगढ़ंत चीज़ें लिख दी गई। असली फोटो भी देख लें जो ANI ने 9 अप्रैल को जारी की थी। दोनों फोटोज को देखकर आपको मामले की असलियत समझ आ गई होगी। कैसे एक अच्छी खबर को और समाज को जोड़ने वाली खबर को तोड़ने वाली खबर में बदल दिया जाता है वो आपने इस केस में देखा। फिर ज़्यादातर ग्रुप्स या लोग जो इसे इसकी फर्जी फोटो को शेयर कर रहे थे, वो खुद को कट्टर हिंदुत्व का पैरोकार बताते फिरते हैं। ऐसे में उन्हें तो इस खबर से खुश होना चाहिए था कि एक मदरसे में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, मगर नहीं, कुछ लोगों के लिए उनका एजेंडा ही सब कुछ होता है। प्रेम भाईचारे से उनका काम नहीं चलता, पर आपका हमारा काम तो आपसी भाईचारे और प्रेम से ही चलता है। सो ऐसी फोटोज को आगे बढ़ाने से बचें और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें जम के फटकार लगाएं। ये तो हो गई इस मदरसे की फोटो की असलियत। ऐसे ही जुड़े और भी जो फर्जी मामले सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं, चलते रहते हैं, उनके बारे में लगातार आपको बताता रहेगा दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। आप भी अपना फर्ज निभाते रहिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।